आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये चेक करेंगे कि आपको जो भी पर्सन वीज़ा दिया है वो असली है या नकली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब वीज़ा हमको मिल जाता है तो हम वीज़ा चेक नहीं करते हैं, और जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि भैया आपको जो वीज़ा है वो डुप्लीकेट है, फेक है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं जो भी हमको वीज़ा दिया रहता है उस पर, और हम ये भी चेक नहीं करते हैं घर पे रहते हैं तो कि वीज़ा असली है या नकली है या फेक है डुप्लीकेट है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये चेक करेंगे कि आपका वीज़ा जो है वो असली है या फेक है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से ये चेक करेंगे कि आपका जो वीज़ा असली है या नकली है। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से ये चेक किया जाता है कि वीज़ा असली है या नकली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीज़ा असली है या नकली ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है edNRD.online। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो क्या जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ढेर सारा यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पहले वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि सेलेक्ट सर्विस टू इंक्वायरी, तो यहाँ पर इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढ लेना है, इंट्री परमिट वैलिडिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इंट्री परमिट नंबर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है इंग्लिश में, यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी है इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ इस कैलेंडर में से चूज कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में से चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आगे पीछे करना है तो इस तरीके से आप आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है मंथ चूज कर लेना है कि कौन सा मंथ है। तो इस तरीके से देखिए, आप मंथ आ रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ से मंथ चूज कर लीजिएगा कौन सा मंथ है। जैसे मैं यहाँ पर ये मंथ चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पर नेशनलिटी चूज कर लेंगे कि आप कहाँ से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, जापान, अमेरिका, कहाँ से है। तो जैसे मैं इंडिया से, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको जो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डालना है आपका वीज़ा का जो है परमिट नंबर। तो वो वीज़ा कैसा होता है, उसका परमिट नंबर कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा वीज़ा है, ये मेरा वीज़ा है और यहाँ पर देखिए कि परमिट नंबर ये 206 है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको 206 डालना है। तो यहाँ पे 206 आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा है। तो मैं यहाँ पे 206 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2020 है, तो यहाँ पे 2021 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर जब तक 2021 नहीं आएगा तो ये शो नहीं करेगा। तो आपको इसमें से 2021 ढूंढ लेना है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि मेरा 2021 है ना वीज़ा में, यहाँ पर आपको 2021 को ढूंढ लेना है। तो इसमें आप 2021 नहीं है तो आपको बीस ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डालना है, ये वाला नंबर जो है आपको जो है 870-8236, ये वाला आपको कॉपी कर लेना है। इस तरीके से कॉपी करेंगे और आपको यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल प्लस भी डाल के भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया है। अब यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देना, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, जो भी आपका नाम हो आपको अपना नाम इसमें डाल देना। ठीक है, नाम डालने के बाद ये देख रहे हैं कि कैप्चा है, आपको कैप्चा आइडेंटिटी सही आपको कैप्चा इसमें आपको डालना है। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट, यहाँ पे सर्विस टू इंक्वायरी, यहाँ पे आपको ये वाला डालना है। ठीक है, इंट्री परमिट वैलिडिटी, इस तरीके से आपको यहाँ पे परमिट नंबर डाल देना है, एंट्री परमिट नंबर, यहाँ पे नाम डालना है, फर्स्ट नेम आपको तीन, जैसे आपको किसी का नाम होता है राजकुमार, तब शुरू का हुआ आपका फर्स्ट नाम और लास्ट का हुआ जो कुमार जो हुआ लास्ट नाम, जो भी आपका फर्स्ट नाम है बोला है यहाँ पे फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वही डालना है। जेंडर डाल दिए हम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ
कैलेंडर में से चूज कर लिए, इसके बाद नेसेसिटी डाल दी, इसके बाद ये कैप्चा आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट वाले को आपको ओके कर देना है। सबमिट करते यहाँ पर देखिए नीचे में आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विथ गिवन द डिटेल। बोला जा रहा है कि आपका जो है इसमें जो डाल रहे हैं या तो आप कुछ गलत डाल रहे हैं या आपका जो है डाल रहे हैं वो सही है। अगर इस तरीके से आपका लिखा के आ रहा है तो समझिए कि आपका वीज़ा है वो आपका सही नहीं है, ठीक है, फेक है। तो आपको जो भी वीज़ा दिया है उसे जाके मिलिए, या एजेंट है या कोई आपको दिया है तो उसे जाके मिलिए कि भैया आपको जो वीज़ा है यहाँ पे आपका शो नहीं कर रहा है। अगर जैसे सब कुछ डालते हैं यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देता है, तो आप समझिएगा कि आपको जो वीज़ा है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, जेन्यून है। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा के आ रहा है तो आप समझिए कि आपका वीज़ा में कुछ गड़बड़ है या तो फिर आप यहाँ पर डिटेल जो है सही से नहीं डाल रहे हैं। अगर ये सही से डाल रहे हैं फिर भी आपको ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपको जो भी पर्सन वीज़ा दिया है या तो आप एजेंट है या आपको कोई भी अपना पर्सन आदमी है तो आपको जो भी आदमी है उनसे जाके मिलिए और कहिए कि भैया जो वीज़ा है वो सही से शो नहीं कर रहा है। सो गाइस इस तरीके से अगर आपका जो वीज़ा इनसे में शो कर देता है सब कुछ, नाम, एड्रेस, वीज़ा नंबर, परमिट नंबर, टोटल कुछ आपको आ जाता है, तो आप समझिएगा कि आपका वीज़ा जो है बिल्कुल जेन्युइन है और जो आपका वीज़ा है वो सही है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है जिससे आप अपना वीज़ा को चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो सही है या फेक है। सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं घर बैठे आप मोबाइल से, लैपटॉप से, कि आपका वीज़ा सही है या फेक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।